ये है कौन सा एक्सप्रेस, गडग एक्सप्रेस, गदग एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छा बनाया यार। तो एक नया सीन समझ आया है कि आईफोन की फेस आईडी खत्म हो गई है। तो बड़े प्यार से चूना लगाया 1500 रुपए का। मोस्ट ऑफ दी जगह सिर्फ मराठी लिखी हुई है, सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं पुणे सोलापुर के लिए निकल रहा था, तो मेरे आईफोन ने कहा नहीं अभी नहीं जा सकते, तो अभी हम आईफोन को सही कराने आए हैं क्योंकि उसका फेस लॉक काम नहीं कर रहा। सो हमारे साथ श्री श्री 1008 मयूरेश जी साथ चल रहे हैं। इंस्पायर की ओर जाते हुए, इंस्पायर की ओर जाते हमारे कदम वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हमें बस और हर जगह इंस्पायर। भाई एयरपॉड्स लेने हैं, पता है नेक बेल्ट मिल जाती क्या एप्पल के? तो एक नया सीन समझ आया है कि आईफोन की फेस आईडी खत्म हो गई है। ये क्या हुआ? तो नहीं करती मैंने जिंदगी में एक महंगी वाली लग तो मुझे ऐसी रहा है। तो ये इशू क्या आया है फेस आईडी में कि ये टेम्पर्ड की वजह से कुछ लग गया था इसके सामने, तो सेंसर्स डिटेक्ट नहीं कर रहे। तो अब 1500 का टेम्पर डलवाओ। अभी थोड़ी देर में बताते हैं क्या हुआ। तो बड़े प्यार से चूना लगाया 1500 रुपए का। उन्होंने बोल दिया है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, 10 दिन तक हो जाता। लग गए 1500 के। गाइस इसलिए लाइक करो, फॉलो करो, 1500 निकलवा लो। इंस्पायर से दूर रहो। उनके पास माल लेने जाते हैं, स्टॉक नहीं रहता। मेरे को तो लग रहा है स्टॉक उन्होंने नहीं बनाया, नहीं है स्टॉक तो था, वो बटन दबाया कि प्लीज शो लेस स्टॉक। तो ये नया डल गया है, 250 की लग गई। तो हमारा पूरा कितने का हो गया? 1750 का हो गया हमारा टेम्पर्ड 4 महीने में। अभी 2000 और लगने हैं। भाई अपने कितने 1800 के पूरे 2000 हो गए ना, पूरे 2000 हो गए। अभी हुआ क्या है? उसका टेंट ही पटक के आ गए। वो चेक कर रहा था, हमने कहा निकलो यार। कितने गंदे तरीके से चेक कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पैसे मांगे के भाई टेंटी के पैसे देके जाओ। फोन की बात कर रहा हूँ। तो पीछे वाले टायर में लगाना है, आगे के टायर में क्या करेगा लगा के? पीछे वाला ज्यादा जरूरी है, आगे कोई भी तोड़ देगा। एक चेन ही तो तोड़नी है उसको, फिर वैसे पीछे में भी एक ही चेन तोड़नी है। तो भाई इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, देख रहे हो, साथ में चल रहे हो क्या? चलो यार है ना, लगेज तो संभाल ही लो। नहीं भाई, लगेज के लिए नहीं लेके जाएंगे तुमको यार। थैंक यू सो मच, पहुंचो आराम से। यस, they tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that could make sense, they hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be, they sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing, so get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. यहाँ पे ठंडी बिल्कुल नहीं है, मुझे इंदौर में था कि इंदौर में ठंडी रहती है, तो उससे आइडियाज हैं थे, बट यहाँ मैं फैन चला रहा हूँ। सो काफ़ी अच्छी जगह है, और बस ये है कि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम रहेगी, बाकी ये बालकनी भी अच्छी है। And when you make your money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I want. कुछ ऐसा दिखता है मेरा रूम। I got a different. और ये अपना वॉशरूम है। Bathroom everyone in that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then. Actually, कह रहा है कि ये टेबल छोटी पड़ रही है, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा सामान रखना है, और यहाँ पे एल्मेरा वगैरह कुछ भी नहीं है। सो फिर मैंने एक्सचेंज कर लिया है, और ये बुक वहीं रख दूँगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करूँगा। आस पास में जा रहा हूँ जिम देखने, और वहाँ जिम वगैरह भी देखना है, कुछ सामान भी लेना है बाकी डी मार्ट वगैरह से। तो पहले तो मेरा ये प्लान है कि मैं जिम जाऊँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, और मुझे यहाँ से राइट लेनी है।
मोस्ट ऑफ दी जगह सिर्फ मराठी लिखी हुई है, सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये है कौन सा एक्सप्रेस, गडग एक्सप्रेस, गदग एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छा बनाया यार। बट यहीं कहीं जिम है, मेरे को मिल ही नहीं रहा कहाँ है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वाह कूल। वैसे इस बिल्डिंग में जिम दिखा रहा था बट यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, सो वापस चलते हैं। 1.5 किलोमीटर्स चलने के बाद फाइनली जिम नहीं मिली, एक मिली थी वहीं पे, बट वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी मेरे को, मतलब फील नहीं आ रहा था। वही करनी पड़ेगी जिसमें फील नहीं आ रहा था, सुबह जाऊँगा मैं वहाँ पर। सोच रहा था थोड़ा सा अच्छी मिल जाती बट यार रोज़ 1.5 किलोमीटर कौन ही चल के आए। सो बेसिकली सोलापुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, लेकिन अब जो कि चद्दर के लिए फेमस है, मतलब चद्दर यहाँ जो ओढ़ने वाले चद्दर रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सोलापुर। महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर पर पड़ता है सोलापुर, अच्छी जगह है। खाने के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इडली सांभर फेमस है, सो यहाँ पर कई तरह के मतलब वैसे कर्नाटका साइड से भी लोग रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, आंध्रा के भी रहते हैं, सो मिक्स है यहाँ पर, क्योंकि आंध्रा का बॉर्डर भी है तो लोग मिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की सोलापुरी चटनी, जो कि मैंने आज खाई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और दूसरा इडली सांभर। सो इडली सांभर तो अभी नहीं खाया है, आगे जाके टेस्ट करूँगा। तो डी मार्ट से सामान ले लिया, सोच सकते हो कितने का हो गए। ये 900 रुपए का सामान है यार, देख रहे हो बस कुछ दिख रहा है 900 रुपए लाएगा इसमें, पता नहीं यार। अभी 10 बज रहे हैं, बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब सुबह कल सुबह से रहेगा जिम में मो शूट वगैरह प्रॉपर सब, तो कल जाना है शूट करने के लिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही और आगे नहीं पता, बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए मिलते हैं कल, बाय।